देश में पुलिस को जनता का रक्षक माना जाता है और लोग पुलिस की वर्दी पर भरोसा करते हैं और न्याय की उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जब भी इस वर्दी का इस्तेमाल फर्जी तरीके से करा जाए तो उससे कैसे बचा जाए। गुरुग्राम में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें फर्जी पुलिस बनकर ठगी को अंजाम दिया गया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ठगी करने वाले आरोपियों ने ठगी का अनोखा तरीका अपनाया और एक महिला को हाउस अरेस्ट का शिकार बनाया गया। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और महिला के साथ ठगी को अंजाम दिया। इस मामले का खुलासा जब हुआ जब गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से फर्जी आधार, पासपोर्ट और 30 बैंक खातों के दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए। थाना साइबर मानेसर गुरुग्राम में एक महिला ने शिकायत दी कि 22 मार्च 2024 को एक उनके पास अनजान कॉल आई जिसमें फेडेक्स के पार्सल के नाम पर उनसे मुंबई साइबर पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ की और डर और भयभीत करके कि उनके पार्सल में कुछ इलीगल सामान है उसके नाम पर उनसे 20 लाख रुपए की ठगी गई। इसमें साइबर पुलिस मानेसर ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर SHO सुनील के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की और 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों की पहचान राजस्थान निवासी के रूप में हुई है। पिछले 6 महीने से ये आरोपी ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे थे। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आरोपी ठगी के लिए लोगों को शिकार बनाते हैं। जिस महिला के साथ हाउस अरेस्ट करके ठगी की गई उसको कैसे अंजाम दिया, कैसे हुआ मामले का खुलासा। 23 मार्च को साइबर थाना मानेसर में महिला ने दी शिकायत। महिला की शिकायत में अज्ञात नंबर का जिक्र। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का सदस्य बताया। एक पार्सल का जिक्र करते हुए उसे हाउस अरेस्ट किया गया। महिला को डर दिखाकर रुपए ट्रांसफर कराए गए। पुलिस जांच में आशुतोष और मोहित को किया गया गिरफ्तार। आशुतोष इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड। अजमेर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने रिश्तेदारों के नाम खाते खुलवाए। ठगी की रकम उन बैंक खातों में मंगवाई गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के पूछताछ में तीसरे आरोपी का खुलासा हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ठगी के मामलों का खुलासा किया। ऐसे मामले को देखते हुए पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप ठगी की शिकायत दे सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की ऐसे अनजान मोबाइल नंबर से बचें। यदि कोई अनजान आपसे पैसे की मांग करे तो हेल्पलाइन नंबर पर उसकी शिकायत दें। गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।